हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमीन मुदस्सर और मैं एक वॉलंटियर हूं इमरजेंसी रिस्पांस टीम और कोविड हेल्पलाइन बैंगलोर डॉट कॉम से। आज 22 में कुछ अपडेट्स आप तमाम को देना चाहता हूं। सबसे पहला अपडेट यह है कि जो गवर्नमेंट के बेड्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिनके लिए बहुत परेशानी थी पिछले एक महीने से, पिछले दो तीन दिन से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर HDU बेड्स, जो हाई डेंसिटी यूनिट बेड्स कहलाते हैं, ये बेड्स अवेलेबल हैं। और इन बेड्स को हासिल करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको 1912 कॉल करना है, आपको उन्हें डिटेल्स देने हैं और वहां से एक डॉक्टर आपको फिर कॉल बैक करेंगे। आपका जो सैचुरेशन है, आपके सिम्टम्स है, उन तमाम सिम्टम्स को देखते हुए वो आपको फिर जो है बेड अलॉट करेंगे। ये HDU बेड इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आज HDU बेड में जाएंगे उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होगा और उन्हें ICU बेड की नौबत नहीं आएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम लोगों से जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं और जो अभी भी घरों में इलाज कर रहे हैं, कि आप जो है कोशिश करके गवर्नमेंट कोटा बेड्स हासिल कीजिए, क्योंकि 1912 को अगर आप कॉल करेंगे आपको गवर्नमेंट कोटा बेड मिलेगा, ये HDU बेड होगा। और इन हॉस्पिटल्स में आपको जब गवर्नमेंट से बेड मिलेगा, HDU बेड मिलेगा, आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। ये याद रखिए कि ये गवर्नमेंट कोटा है और गवर्नमेंट जो है इसका पूरा पैसा हॉस्पिटल को देती है। दूसरी चीज, अभी भी जो है ICU और ICU वेंटिलेटर बेड्स काफी परेशानी की हालत में है और इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ICU और ICU वेंटिलेटर बेड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं और उस हॉस्पिटल में आपको एक्सेस बिलिंग हो रही है, ये याद रखिए कि गवर्नमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट पेशेंट को उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती जितना वो गवर्नमेंट ने कहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर एक पेशेंट डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, वो BBMP के थ्रू नहीं जाता है, तो उस मौके पर उस हॉस्पिटल को एक जनरल बेड के लिए ₹10,000 चार्ज करने हैं, एक HDU बेड के लिए ₹12,000 पर डे चार्ज करने हैं, एक ICU बेड के लिए ₹15,000 पर डे चार्ज करने हैं और एक ICU वेंटिलेटर बेड के लिए ₹25,000 चार्ज करने हैं। इसके साथ साथ जो लोग अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं और वहां पर जो है उनकी बिलिंग ज्यादा हो चुकी है, उन लोगों से गुजारिश है कि आप जो है एक नंबर नोट कर लीजिए, वो नंबर है 1800-425-8330। ये नंबर है सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट SAST का और इस नंबर को दोबारा मैं बोलता हूं 1800-425-8300, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं sastgrievance@gmail.com। अगर आपको उस हॉस्पिटल में BBMP कोटा के होने के बावजूद वहां पर जो है आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इतना पैसा भरना है, तो आप यहां पे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आखिरी चीज, गवर्नमेंट ने जो है वैक्सीनेशन का जो सेकेंड स्टेज है वो शुरू किया है और कई जगह जो है जिन लोगों ने पहला डोज लिया है उनको दोबारा उनका जो दूसरा डोज पेंडिंग है, वो कोविशील्ड का हो या कोवैक्सीन का हो, वो शुरू हो चुका है। तो तमाम लोग जिनका सेकेंड डोज अभी भी बाकी है, उनसे गुजारिश है कि आप जो है अपना सेकेंड डोज ले लें। केसेस कम हो रहे हैं, केसेस जो है मौतें भी कम हो रही हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो अब हम सबके सामने एक बड़ा इश्यू है कि हम इस चीज को आसानी से ना लें कि केसेस कम हो गए हैं, चलो हम घर से निकलेंगे, घूमेंगे और हम जो है फिर दोबारा जो है हमारे हम केसेस को ना बढ़ाएं। तो मैं तमाम अवाम से आज जानना गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है कंटिन्यू करें सेफ रहना, घरों में मैक्सिमम जो है टाइम घर पे रहिए और कोशिश कीजिए कि आप जब जैसे ही आपको फर्स्ट दिन आपको मालूम होता है कि आपको कोरोना है, कोविड है, आप एक कोविड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हमारे वॉलंटियर एक जो कल उन्होंने उनको बॉडी पेन हुआ और उन्हें ऐसा फील हुआ कि शायद उन्हें कोरोना है, उन्होंने फौरन जो टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद उनका पॉजिटिव निकला। तो उन्होंने यही सबको कहा है कि टेस्टिंग कर लेंगे, इमीडिएटली फर्स्ट डे करेंगे और एक कोविड डॉक्टर से हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि हर काली टंकी सिंटेक्स नहीं होती, उसी तरीके से हर डॉक्टर कोविड डॉक्टर नहीं होता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है तो आपको परेशानी होगी। मैं तमाम से ये अपील करता हूं कि आप
लगे रहें अपने घर और अपनी फैमिली को बचाते हुए। और जिन पॉइंट्स का मैंने बताया है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट के HDO बेड्स अभी भी अब अवेलेबल हैं। आप बिना झिझक जो है 191 पे कॉल कीजिए और लगे रहिए, आपको बेड कुछ घंटों में मिल जाएगा। मैं अमीन मुदस्सर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ और तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम तमाम के लिए दुआ करें। शुक्रिया।